नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी 2.0 पर, जहां आपको बॉलीवुड टॉपिक से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। सो अगर आप बॉलीवुड से रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे इस चैनल फिल्मी वाणी 2.0 को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिल्म नगरी में कब कोई रातों रात सुपर स्टार बन जाए और कब कोई वक्त के साथ फिल्मी पर्दे से गायब हो जाए, किसी को भी पता नहीं चलता। आजकल तो एकाध केस में ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि स्टार्स जिन्हें एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया था, वो इस डिजिटल और ओटीटी के युग में फिर से उभर कर आ चुके हैं। अब वे कमाल कर रहे हैं, जो शायद ये साबित करता है कि भले ही उन्होंने डिसीजन गलत लिए हो, भले ही सिचुएशन उनके अकॉर्डिंग फिट ना बैठी हो, मगर वे कलाकार हमेशा से अच्छे थे और उन्हें एक्टिंग भी आती है। मेरी नज़र में 90s और अर्ली 2000 के दो एक्टर थे जिनका करियर इतनी जल्दी खत्म होना पर्सनली मैं जस्टिफाइंग नहीं समझता था। और अच्छी बात देखिए कि वक्त ने इन दोनों का साथ दिया और आज ये OTT और वेब सीरीज के चलते लाइमलाइट में आ चुके हैं। आज ये अपने हर प्रोजेक्ट से लोगों का दिल जीतते जा रहे हैं। कुछ समय पहले तक लोग जिन्हें फ्लॉप एक्टर समझते थे, जिन्हें लगता था कि उनका करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, आज वे ही लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। ये स्टार्स हैं अक्षय खन्ना और बॉबी देओल, जिन्होंने डेफिनेटली बीते कुछ समय में अपना अच्छा कमबैक किया है। फिलहाल अक्षय खन्ना की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉबी देओल की। पिछले दिनों बॉबी देओल की अपकमिंग मूवी लव हॉस्टल का ट्रेलर रिलीज किया गया। विक्रांत मसी, सानिया मल्होत्रा और बॉबी देओल स्टारर इस फिल्म में बॉबी देओल अपनी लुक, एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी के चलते काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर चुके हैं। लोगों का मानना है कि बॉबी देओल अब जिस तरह की फिल्में और सीरीज में काम कर रहे हैं, अगर वे ऐसा ही काम पहले भी करते तो उनके करियर में कभी भी डाउनफॉल ना आता। और ये सच भी है कि बॉबी देओल अपने अनप्रोफेशनल एटीट्यूड और गलत चॉइसेस के चलते इंडस्ट्री से काफ़ी पहले ही बाहर हो चुके थे। ये तो भाई जान सलमान खान ने इन्हें अपनी फिजिक पर काम करने को कहा और इन्हें शुरुआती काम दिलाया। रेस 3 भले ही ना चली हो, लेकिन बॉबी देओल के ट्रांसफॉर्मेशन ने लोगों को इम्प्रेस किया और उन्हें क्लास ऑफ 83 और आश्रम जैसे प्रोजेक्ट मिले। इन प्रोजेक्ट्स के चलते इन्होंने अपने आप को प्रूफ किया और इनका करियर एक तरह से पटरी पर आ गया। अच्छा, बॉबी देओल की शुरुआत बड़ी धांसू हुई थी। लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र के छोटे बेटे और उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार सनी देओल के भाई होने के चलते इन्हें लोगों का बम्पर रिस्पांस मिला। डेब्यू फिल्म बरसात में इनकी हीरोइन थी इंडिया के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब की बेटी ट्विंकल खन्ना। फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर रखा गया। लंबे बाल, गोल चश्मा, बॉबी देओल सबसे स्टाइलिश एक्टर बनकर उभरे। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और बॉबी देओल ने रातों रात स्टारडम पा लिया। नेक्स्ट फिल्म थी गुप्त, वही जिसमें गाना था दुनिया हसीनों का मेला। अगेन बॉबी देओल खूब स्टाइलिश लगे। उनके लंबे बाल, चश्मा और उनकी जैकेट ने उस समय बवाल मचा रखा था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। इसके बाद ये सोल्जर, बादल, बिच्छू, अजनबी और हमराज जैसी कई कामयाब फिल्मों में नजर आए। ऐसा लग रहा था कि ये पिता और अपने भाई की लेगेसी को काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, मगर इनकी कुछ गलतियों और ख़राब चॉइसेस के चलते अर्ली 2000 के बाद से इनके करियर में कंटिन्यू डाउनफॉल देखा गया। अगर आप कहेंगे तो हम इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। खैर, लेट 90s का उभरता हुआ सितारा अब फ्लॉप एक्टर की लिस्ट में आ चुका था। 2013 के बाद से तो इन्हें रोल मिलना ही बंद हो गए और कई सालों तक बॉबी देओल बिना काम के डिप्रेशन में रहे। फाइनली रेस 3 में सलमान खान ने इन्हें काम दिया और इसके बाद कई प्रोजेक्ट्स इनके सामने आए। ये सलमान खान की रेस 3, अक्षय कुमार की हाउसफुल 4 और यमला पगला दीवाना फिर से में नजर आए। शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने बॉबी देओल के साथ 3 फिल्मों की डील करी। ये OTT बेस्ड फिल्में थी। बॉबी देओल को इन्हीं से खुद को प्रूव करना था। नेटफ्लिक्स पर इन्होंने अपना डिजिटल डेब्यू किया फिल्म क्लास ऑफ 83 से। इस फिल्म में बॉबी देओल डीन विजय सिंह शेखावत के रोल में नजर आए। सालों बाद बॉबी देओल की परफॉर्मेंस की लोगों ने तारीफ करी। वाकई इस डू और डाई सिचुएशन में बॉबी देओल ने कमाल की एक्टिंग करके दिखाई और इन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल अक्लेम मिला। क्लास ऑफ 83 की अभी तारीफ हो ही रही थी कि जस्ट एक हफ्ते बाद प्रकाश झा के निर्देशन में बनी इनकी वेब सीरीज आश्रम रिलीज हुई। बॉबी देओल जो अपने करियर के सेकेंड इनिंग में इस तरह के एक्सपेरिमेंटल रोल्स कर रहे थे, वो कमाल था। बाबा निराला का रोल विदाउट एनी डाउट इन्होंने बेहतरीन तरह से प्ले किया। लोग शॉक्ड थे कि बॉबी देओल से इस तरह की परफॉर्मेंस निकल कर आ रही है। बॉबी देओल को अब अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिलने लगे हैं। लव हॉस्टल में ही देख लीजिए, बॉबी देओल ऐसे किरदार में नजर आ रहे हैं जिसमें आपने इन्हें पहले कभी देखा ही नहीं होगा। डागर के रोल में बॉबी देओल बहुत धांसू लग रहे हैं और उन्हीं के चलते लव हॉस्टल फिल्म का बज़ भी बना हुआ है। ये भी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की ही फिल्म है।
नेक्स्ट ये इसी कंपनी के साथ अपने थर्ड कोलैबोरेशन पेंट हाउस में भी नजर आएंगे। इसके अलावा बॉबी देओल के पास एनिमल जैसी बिग बजट फिल्म भी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये आश्रम के सीजन 2 में भी नजर आने वाले हैं। पिछले पूरे दशक में बॉबी देओल इतना बिजी कभी नहीं थे जितना आज हैं। फाइनली बॉबी देओल का करियर पूरी तरह से पटरी पर आ चुका है। आप बॉबी देओल की सेकंड इनिंग से कितना खुश हैं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें लिखकर बताएं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।